तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब हमारा यहाँ पे चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपके वीडियोस के ऊपर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। जब दोस्तों एडवर्टाइजमेंट आता है तो आपके यहाँ पे चैनल पर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और वो दोस्तों सारी की सारी जो भी आपकी अर्निंग होती है वो सब कुछ यहाँ पे एडसेंस अकाउंट में शो होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे मंथ एंड में आपका जो भी एडसेंस अकाउंट में जितना बैलेंस रहता है सब कुछ आपके अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट दोस्तों बात आती है यहाँ पे एडसेंस अकाउंट की। बहुत लोगों को इसमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें एडसेंस अकाउंट अपना कब बनाना चाहिए, क्योंकि कई लोग दोस्तों क्या बताते हैं कि आपको एडसेंस अकाउंट जब आप मोनेटाइजेशन अपना चैनल कर रहे होते हो तब दोस्तों आपको अपना एडसेंस अकाउंट न्यू क्रिएट करना चाहिए। और कई लोग दोस्तों क्या कहते हैं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं है तो आप पहले से भी यहाँ पे अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि हमें एडसेंस अकाउंट कब बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एडसेंस अकाउंट पहले बना लिया तो क्या आगे चल के फ्यूचर में इससे कोई प्रॉब्लम आ सकती है मोनेटाइजेशन में, या फिर दोस्तों जब आप यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो वही सही तरीका है यहाँ पे एडसेंस अकाउंट बनाने का। तो आज की वीडियो में दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सही समय है यहाँ पे एडसेंस अकाउंट बनाने का। तो सब कुछ दोस्तों आज की वीडियो में आपका डाउट क्लियर यहाँ पे हो जाएगा, तो यार वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने यार चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा यार, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमेशा इस चैनल पर यूट्यूब रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोज देखने के लिए मिलती रहेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि एडसेंस अकाउंट आपको सबसे पहले बना लेना चाहिए यहाँ पे मोनेटाइजेशन नहीं हुआ उसके पहले, या फिर दोस्तों आप जब चैनल मोनेटाइजेशन करने जा रहे हो तब आपको बनाना चाहिए। चलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों सबसे एक्यूरेट वे जो यहाँ पे आपको एडसेंस अकाउंट बनाने का तरीका है वो दोस्तों यही है कि जब आप अपना यहाँ पे आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है, आपके चैनल पे 4000 आवर वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाता है, और आपने सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई कर रखा है, अपना मोबाइल नंबर अपने चैनल से सब कुछ लिंक करके रखा है, टू स्टेप वेरीफिकेशन भी कंप्लीट कर रखा, यानी सब कुछ आपका यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट है, फिर दोस्तों जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने जाते हो तब दोस्तों आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद आपका चैनल यहाँ पे मोनेटाइजेशन हो जाता है। उसमें दोस्तों आपको वहीं पे जो सेकंड नंबर पे एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। तो जब दोस्तों अगर आपका चैनल पे सब कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है, अब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इलिजिबल हो गए हो, तब दोस्तों आप यहाँ पे अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ये दोस्तों सबसे एक्यूरेट वे है आपके यहाँ पे अपना एडसेंस अकाउंट बनाने का, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे यूट्यूब खुद कंपलसरी बोलता है कि आपको अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना ही होगा। जब दोस्तों आप अपना एडसेंस अकाउंट वहाँ पे क्रिएट कर लेते हो, फिर अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन होकर आ जाता है रिव्यू में से और आपका यहाँ पे चैनल मोनेटाइज हो चुका रहता है, तब दोस्तों आपके चैनल पे एडवर्टाइजमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी जो अर्निंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, आपके एडसेंस अकाउंट में भी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो दोस्तों हर कोई जानता है कि यहाँ पे YouTube ने कंपलसरी कर रखा है कि आप जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तब आपको एडसेंस अकाउंट बनाना है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर की, यहाँ पे जो कई लोग कहते हैं कि आप एडसेंस अकाउंट पहले से भी बना सकते हो। अगर आपने अभी समझ लो चैनल कुछ दिन पहले ही ओपन किया है, कुछ मंथ ही हुए हैं, आपके अभी 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ना ही आपका आवर वॉच टाइम जो है वो भी कंप्लीट हुआ है, फिर भी दोस्तों कई लोग कहते हैं कि आप यहाँ पे एडसेंस अकाउंट बना सकते हो, तो क्या सच में दोस्तों यहाँ पे हम अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ, आप यहाँ पे अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यानी अगर आपको अभी कुछ दिन ही हुए चैनल बनाए हुए, आपका भी कोई भी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी दोस्तों आप यहाँ पे गूगल का एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सिंपल से आपको उसके लिए क्या करना है, आपको गूगल पे एडसेंस अकाउंट सर्च करना है, आप वहां से अपना कोई भी आईडी पे जिस पे आप जो आईडी पे बनाना चाहे उस आईडी पे आप अपना एडसेंस अकाउंट बना सकते हो। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे मोनेटाइजेशन के पहले ही अगर आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, आपको यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं हुआ उसके पहले बना लेते हो, कोई भी मतलब उसका नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि अगर आपने कोई भी एडसेंस अकाउंट समझ लो क्रिएट कर लिया अपने चैनल के ऊपर, दोस्तों जैसे आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हो जब आपका वहाँ पे यूट्यूब से लिंक होता है तो दोस्तों आपका चैनल तुरंत यहाँ पे रिव्यू में चला जाएगा, और जब आपका चैनल रिव्यू में जाएगा तो यूट्यूब वहाँ पे चेक करेगा तो क्या पता चलेगा दोस्तों कि आपके चैनल पर अभी तो कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हुआ ही नहीं है, आपने ना 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है ना 4000 और वॉच टाइम कंप्लीट किया है, तो उससे तो आपका चैनल रिव्यू में जाएगा और रिव्यू में ही पड़ा रहेगा और उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और जो आपका एडसेंस अकाउंट है वो ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा, आपकी वहाँ पे अर्निंग नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक दोस्तों आपका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होगा तो एडसेंस में दोस्तों आपकी यहाँ पे अर्निंग नहीं होगी, ना ही अर्निंग आपकी वहाँ पे शो होगी। तो कोई भी मतलब नहीं रहता कि अगर आप पहले मोनेटाइजेशन के एडसेंस अकाउंट बनाते हो, हालांकि आप बना सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका चैनल रिव्यू में ही पड़ा रहेगा, फिर आगे चल के जब आपका फ्यूचर में 1000 सब्सक्राइबर और जो 4000 और वॉच टाइम है वो क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, तब दोस्तों आपको वहाँ पे मेल आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। वो जब आप मोनेटाइजेशन पे अप्लाई करते हो तो आपका जो एडसेंस अकाउंट पहले से आपने बना रखा था वो उससे लिंक रहेगा ही रहेगा, और आपका आगे चल के वहाँ पे भी अर्निंग शो होना स्टार्ट हो जाएगा।
बट दोस्तों अगर आप पहले से बनाते हो तो कोई मतलब नहीं यार। तो इससे अच्छा दोस्तों मैं आपको यही चॉइस देना चाहूंगा कि जब भी आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो, जब आपको 3 प्रोसेस करना रहता है, उसमें जो सेकंड प्रोसेस रहता है गूगल एडसेंस अकाउंट का, तभी आप वहां पर नया अकाउंट बना सकते हो। वही दोस्तों एक्यूरेट वे, आप वहीं से बनाइएगा और दोस्तों आपका जब भी यहाँ पे मोनेटाइजेशन हो जाएगा चैनल, फिर आपका दोस्तों अर्निंग भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको एडसेंस अकाउंट कब बनाना चाहिए, मोनेटाइजेशन के पहले या फिर मोनेटाइजेशन करते समय। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल एवी टेक्निकल टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, आपको इस चैनल पर हमेशा यूट्यूब रिलेटेड कुछ ना कुछ नए नए वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेगी। तो बस फ्रेंड आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।